हेलो फ्रेंड्स, मैं इंद्रजीत कौर वेज जायका में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ साबूदाना खिचड़ी, जो व्रत में तो खाई जाती ही है पर नॉर्मल रूटीन में भी सब इसे खाना बहुत पसंद करते हैं। तो आइए बनाते हैं बढ़िया सी स्वादिष्ट साबूदाना खिचड़ी। खिचड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कप साबूदाना लेंगे। साबूदाने को एक बाउल में डालकर अच्छी तरह से 2-3 बार पानी से धोएंगे। जब तक साबूदाना का वाइट सा स्टार्च और उसके ऊपर जो डस्ट सी लगी होती है वो अच्छी तरह से निकल जाए, जिससे कि साबूदाना अच्छी तरह से साफ हो जाए। ये देखिए, यहाँ पर साबूदाना को मैंने 3 बार अच्छी तरह से धो लिया है। अब ये एकदम साफ हो गया है। अब हम इसे भिगोएंगे, लेकिन साबूदाना भिगोने के लिए हमें ज़्यादा पानी यूज़ नहीं करना होता है। जितना साबूदाना है उसके लेवल में उतना ही पानी रखेंगे। जैसे कि मैंने 1 कप साबूदाना लिया है तो 1 कप से थोड़ा सा कम पानी लेंगे। अगर ज़्यादा पानी यूज़ करेंगे तो साबूदाना गल जाएगा और खिला खिला नहीं बनेगा। अब ये साबूदाना जो हमने पानी में भिगोया हुआ है, इसको 6 से 7 घंटे के लिए रख देंगे। ये देखिए, मैंने साबूदाना को पहले से ही भिगो कर रखा हुआ था। 6-7 घंटे भिगोने के बाद साबूदाना इस तरह का खिला खिला सा बन जाएगा। अब हम इस साबूदाना की खिचड़ी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मूंगफली को ड्राई रोस्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने 1/3 कप मूंगफली ली है। कच्ची मूंगफली की जगह रोस्टेड मूंगफली भी ले सकते हैं। जब मूंगफली अच्छी तरह से रोस्ट हो जाए तो इसे प्लेट में निकाल कर थोड़ा ठंडा करेंगे और इसका छिलका उतार लेंगे। छिलका जितना उतर सकता है उतना उतार लेंगे। फिर इस मूंगफली को हम मिक्सी के जार में डालकर ग्राइंड करेंगे। ये देखिए, इस तरह मूंगफली को दरदरा पीस लेंगे। इसका हम पूरी तरह से पाउडर नहीं बनाएंगे, इसे मैंने पहले से ही पीस कर रखा हुआ है। इस दरदरी पीसी हुई मूंगफली को साबूदाना में मिक्स कर देंगे और साथ में ही डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच नमक, 1/2 छोटा चम्मच चीनी, 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1 चम्मच नींबू का रस। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें जो हमने मूंगफली मिक्स की है उससे साबूदाने में जो मॉइस्चर होता है उसे मूंगफली एब्जॉर्ब कर लेती है और खिचड़ी खिली खिली बनेगी। साथ में मूंगफली का टेस्ट भी खिचड़ी में बहुत ही अच्छा आएगा। अब इसमें हम आलू, करी पत्ता, जीरा इन सब का एक अच्छा सा तड़का लगाएंगे, जिसके लिए मैंने एक कढ़ाई लेकर गैस की फ्लेम को ऑन कर लिया है और कढ़ाई में डालेंगे 1 टेबलस्पून भरकर ऑयल। यहाँ पर ऑयल की जगह घी भी यूज़ कर सकते हैं। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें हम डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच राई। राई एकदम अच्छी तरह से तड़क जाए तो इसमें ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा, 8-10 कड़ी पत्ते और 1 छोटा चम्मच भरकर कद्दूकस किया हुआ अदरक। अदरक को आप बारीक भी काट सकते हैं और साथ में ही इसमें 4-5 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई डालेंगे और मिर्ची को आप अपने टेस्ट के अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। इन्हें अच्छी तरह से भून लेंगे। इस मसाले को हमें गैस की फ्लेम को सिम करके ही भूनना है। मसाला थोड़ा सा भून जाए तो हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप मूंगफली। मूंगफली को एकदम क्रिस्पी होने तक भूनेंगे। मूंगफली ना कच्ची नहीं रहनी चाहिए, थोड़ी सी क्रंची हो जाए अच्छी तरह से, तब तक हम इसे भूनेंगे। मूंगफली को आप अलग से डीप फ्राई करके भी साबूदाना में मिक्स कर सकते हैं। मूंगफली अच्छी तरह से क्रिस्पी हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे बॉईल किए हुए 3 आलू। आलूओं को मैंने पहले बॉईल करके छीलकर छोटे टुकड़ों में काट लिया है। आलू जब ठंडे हो जाएं तभी आलूओं को काटेंगे। गरम-गरम आलू इसमें मिक्स नहीं करेंगे, नहीं तो आलू टूट जाएंगे। बॉईल आलू की जगह यहाँ पर हम कच्चे आलू भी छोटे टुकड़ों में काटकर यूज़ कर सकते हैं। और अगर कच्चे आलू यूज़ करेंगे ना तो उन्हें हमें यहाँ पर पकाना पड़ेगा। खिचड़ी में आलूओं का टेस्ट अच्छा आए, आलू फीके फीके से ना लगें, तो इसके लिए हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच नमक। नमक डालने के बाद आलूओं को थोड़ी देर रोस्ट करेंगे और साथ में ये भी ध्यान रखेंगे कि ये सारा प्रोसेस हमें आखिर तक सिम गैस पर ही करना है। जो साबूदाना हमने अभी बाउल में तैयार किया था उसे कढ़ाई में डालकर मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। साबूदाना खिचड़ी को हम हल्के हाथों से धीरे धीरे मिक्स करेंगे, जिससे कि आलू खिचड़ी के अंदर मैश ना हो जाएं। अगर आपको साबूदाना खिचड़ी व्रत के दिनों में खानी है तो आप इसमें वाइट नमक की जगह सेंधा नमक यूज़ कर सकते हैं, जो व्रत में यूज़ किया जाता है।
और जब साबूदाना और मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो इसे 5 मिनट के लिए ढक्कन से ढककर रख देंगे। करीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं, अब हम इसमें हरा धनिया डालेंगे और अच्छी तरह से खिचड़ी में मिक्स कर देंगे। इसे ढककर रखने से साबूदाना अच्छी तरह से पक भी गया है और इसमें नमी भी पूरी बनी हुई है। हमारी साबूदाना खिचड़ी सूखी सी नहीं लग रही है। साबूदाना खिचड़ी को मिक्स करते हुए 1-2 मिनट तक और चलाएंगे और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। ये देखिए साबूदाना वाइट कलर से एकदम ट्रांसपेरेंट हो गया है, यानी कि साबूदाना एकदम पक गया है। और इस स्टेज पर हमारी खिली खिली साबूदाना खिचड़ी एकदम तैयार है। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।